स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीरीज की ये है वीडियो नंबर 3। यानी इंट्रोडक्शन के बाद आपने पहले दो वीडियोस देखे होंगी, उसमें बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से मैंने कोशिश की है इंग्लिश की शुरुआत करने की, वो भी कहां से, हिंदी से इंग्लिश। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से आज भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या किया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट किया था कि हाउ कैन ए सब्जेक्ट बी एक्सटेंडेड एंड देन हाउ कैन ए प्रेडिकेट बी एक्सटेंडेड। उससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस कहां से बनाने शुरू किए थे कल भी, 3 बेसिक वर्ब्स बी डू हैव, इनको याद रखिएगा, बेसिक ऑक्सिलरीज हैं या बेसिक वर्ब्स। आइए आज की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, इन्हीं को एक्सटेंड करते हैं, बी डू और हैव। आपने देखा होगा बी की फॉर्म्स होती हैं, ये इज एम आर वाज वर, और इसके आगे भी होती हैं बी बीइंग और बीन। मैं इनको अलग से इसलिए लिख रहा हूं कि ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। ये मेन वर्ब भी होती है बी, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सारी क्या हैं, मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे इनके साथ में, और दिस इज वेरी इजी। अगेन मैं फिर से कहूंगा इतना आसान है, जैसे मैंने पहले कहा था, वी शैल कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। बस ये याद रखिएगा, सीधा हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा रहे हैं, आसान से आसान इंग्लिश। जो आपको सेंटेंसेस आते हैं, कौन से आते हैं आप देखिएगा, मैंने पहले आपको कहा था कि जो आपको आता है उससे वो सीखिएगा, जो आपको नहीं आता है कैसे। बस एक छोटा सा आज का फॉर्मूला है, सेंटेंस मैंने बहुत आसान लिए हैं, आप ये देखिएगा, दिस इज माय रूम। कल मैंने कहा था आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, 1,00,000। कैसे, दिस इज माय रूम, दिस इज माय पैन, दिस इज माय शर्ट, दिस इज आवर कर्टेन। मतलब शर्ट को आपने माय शर्ट का क्या बना दिया, आवर कर्टेन। फिर आवर इसको बदल सकते हैं, ये प्रोनाउन है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको, माय आवर योर। सिमिलरली रवि इज अ डॉक्टर। अब देखिए क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, इज आई एम अ स्टूडेंट, दे आर लर्नर्स। तो ये सारे क्या है, मेन वर्ब्स। अब हम कहें या लिखा है मैंने एस मेन वर्ब्स, यानी सब में क्या है, वही सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, अब एक तरीका है जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 3 चीजें हैं। आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करिएगा, जितने भी चेंज कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते चलिएगा, बहुत सारे बनेंगे। और फिर ये दोनों हो जाए तो वर्ब को चेंज करिए, आप देखिएगा, आप ये कहेंगे अरे ये तो मेरे को इंग्लिश आती थी, आती है। कैसे, देखो, चेंज द सब्जेक्ट, क्या किया मैंने, सिर्फ दिस का क्या बना दिया, दैट इट, बाकी वैसे रखा है, इट इज माय रूम, दिस इज माय रूम, दैट इज माय रूम। सिमिलरली यहां रवि था, मैंने क्या बना दिया, राखी, राखी इज अ डॉक्टर, माय कजन इज अ डॉक्टर। राखी को किससे बदल दिया, फिर से सब्जेक्ट बदल दिया, बाकी सेंटेंस वही चल रहा है, She is a student. I am का क्या बना, ये वर्ब का ध्यान रखना है आपको, ऐसी गलती मत कर देना कि यहाँ सिर्फ she कर दिया, she के साथ तो क्या आएगा, इसको verb concord कहते हैं, verb concord, यानी subject के साथ verb का combination होना चाहिए। She के साथ क्या आएगा, is a student, they के साथ क्या आ जाएगा, फिर are, they are students। तो इस तरह से आपने क्या किया, हमने subject को change किया और नए sentences मिलते गए। आपने, मैं तो यही कहूंगा, आपने 1,00,000 जो सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें सब में सब्जेक्ट चेंज करिएगा, 2,00,000 हो जाएंगे। मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना भी आसान है, ऐसी बात नहीं है। आप 10 का एग्जांपल लीजिए, 1,00,000 नहीं तो बहुत सेंटेंसेस बनाएंगे। चेंज ऑब्जेक्ट, अब देखिएगा ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लिमिटेड होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कितने हैं। देखिए दिस इज My bag, this is my room का क्या बना दिया, this is my bag, this is my table, this is my house, और फिर इसको थोड़ा और बदले, this is his house, this is his book, his shirt,
ऐसे बदलते जाइएगा कितने भी। रवि इज अ टीचर, रवि को क्या बना दिया, टीचर, डॉक्टर था ना। रवि इज माई कजन, अब कजन के साथ मैंने छोटे साहब के लिए क्या लिखा, ब्रदर, ब्रदर पे क्रॉस लगा दिया। हम यूजुअली यूज करते हैं शी इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर। शी के साथ तो ब्रदर आएगा ही नहीं ना, ऐसा शी के साथ में सिस्टर होना चाहिए। गलतियां छोटी छोटी हैं ये नहीं करनी चाहिए, यानी सिर्फ इतना बहुत है, शी इज माई कजन, ही इज माई ब्रदर। राखी इज एन आर्टिस्ट, ये देखिए ये बदलता गया तो फिर सेंटेंसेस बदलते गए। सिमिलरली आप बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल के। अब आइएगा इन्हीं का और ज्यादा सेंटेंस कैसे बनेंगे आपकी भाषा में, कम्युनिकेशन में इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। वही सेंटेंस है, दिस इज माय रूम, दिस इज योर रूम। सिर्फ इसको बाहर लाना है आपको, जी मेन वर्ब थी ना, इसको बाहर ले आइए। इज दिस माय रूम, इज दिस योर रूम, इज रवि अ डॉक्टर, आर दे स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा यस दे आर स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग। मैं आपको कहूंगा आर यू स्टूडेंट, आपको नो 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 आई एम नॉट ए स्टूडेंट आई एम अ बिजनेसमैन, फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मतलब इज एम आर, तीनों को बाहर लाइए, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना के आंसर बनाइए। फिर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इन्हीं से नेगेटिव बनाओ, ही इज नॉट माय फ्रेंड, हर इज नॉट अ शॉपकीपर। मैंने क्या किया, थोड़ी सी ट्रिक की है, ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल दिए तो नए सेंटेंसेस बन गए। आप सेम सेंटेंस पे प्रैक्टिस कीजिए और नए बनाइए। यू आर नॉट लेजी, दे आर नॉट क्रेजी, लेजी क्रेजी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी है बस। That's why I have written in my title create and communicate. Lazy, crazy, अच्छा लगेगा आपको। I am not a poet. She is not an MLA. An vowels की जो एक वीडियो पहले की थी और भी आएगी एक बार फिर से। An आता है यहाँ पे, A आता है। ये छोटी छोटी बातें हम सीखते रहेंगे इसके साथ साथ में। Helping verb, वहां पे क्या था, main verb चल रही थी। अब हेल्पिंग वर्ब में हम बहुत से टेंसेस में पढ़ेंगे, एक बार छोटा सा कर लेते हैं बस। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दे आर राइटिंग सॉन्ग्स। अब इसका मेन वर्ब चाहिए ना अगर, तो क्या बनना चाहिए था, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में इसको कैसे यूज होता, शी इज अ सिंगर, ऐसे ऐसे फिर वही सेंटेंस आ गया ऊपर वाला। शी इज अ टेलर, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ पोएट, ऐसे। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश क्या बनता, I am a teacher. M अब क्या आ गया, main verb. They are writing songs. R क्या आ गया, main verb में के रूप में use करना है तो क्या होगा, They are writers. यहाँ पे noun चाहिए, यानी वही देखिए object change हो रहा है, इधर subject change हो रहा है, तो ये main verb है। यहाँ पे क्या आ गया, ये सब helping verb के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा छोटी सी बात बस, now be talkative in English. हिंदी में तो हम बात कर ही रहे हैं, हमारी इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश पे आ जाइएगा, जो ऊपर बात कर रहे थे, एक सेंटेंस आपके लिए बस ये। स्टार्ट यूजिंग अबव सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देयर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स एंड गेट आंसर्स टू। यानी आप क्या कर सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में, आप बोलेंगे राखी इज अ डॉक्टर, इंटरप्रेट लीजिए, इज राखी अ डॉक्टर, someone will say yes yes she is a doctor she can give you a good treatment, वो ही सारी सेंटेंस उठा लीजिए, helping verb बाहर लाइए, क्वेश्चन बनाइए, पूछिए और आंसर। अगर नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा, मैं फिर से कहूंगा, कोई ये कहे कि इज दिस योर टी शर्ट, मैं कहूंगा यस दिस इज माई टी शर्ट, मेरी नहीं होगा क्या कहूंगा, नो 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 दिस इज नॉट माई टी शर्ट, तो नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज आप बनाइए और धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप इंग्लिश सीखिए, यूज कीजिए, प्रैक्टिस। कहाँ से चलेंगे हम, हिंग्लिश से इंग्लिश की ओर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।